ग्वालियर के नगर थाना इलाके के गेंडेवली सड़क पर गत दिनों हुई ट्रेवल एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी है। इस बीच ग्वालियर पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े तीसरे आरोपी को भी दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मात्र 900 रुपये के लेनदेन को लेकर अजीम अंसारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और तीसरे आरोपी आजम खान की पुलिस को तलाश थी। तीसरा आरोपी भी पुलिस के हाथ लग गया है। तीसरे आरोपी ने भी पूछताछ में पूर्व में जो पकड़े गए अन्य आरोपियों की तरह 900 रुपये के लेन देन की हत्या की बात कही है। कुछ दिन पूर्व एक हत्या हुई थी गोली मार के, इसमें एक आदमी फरार था। यहाँ गोल एरिया में थाना इंदरगंज क्षेत्र के अंतर्गत अजीम उस्मानी नामक एक युवक की हत्या कर दी थी और उसमें से दो आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और तीसरे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वजह जो पूर्व दो आरोपियों ने बताई थी वही वजह अभी निकल के आई है कि 900 रुपए को लेकर लेनदेन का विवाद था और इन दोनों पक्ष शराब के नशे में थे और उसके घर पे जाके उनको मुवाद हुआ और मुवाद के बाद में तत्काल रिएक्शन के रूप में हत्या होना अभी तक पाया गया। जो आरोपी पकड़ा है इसका बैकग्राउंड क्या है? यह ड्राइवर लाइन से जुड़ा हुआ है और ट्रेवलिंग एजेंसी जैसे काम करता रहता था और अभी वर्तमान में कूलर रिपेयरिंग के वर्क को करता है।